नमस्कार, जेने न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके में एक अधेड़ की पीट पीट कर दी गई हत्या। मुद्दी लालमा का अधेड़ अपने खेत में चारा काटने गया हुआ था। इसी समय गांव के ही दो लोगों के द्वारा उसके ऊपर लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया गया, जिसकी वजह से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा किए गए प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मृतक मुत्तीलाल का हत्यारोपी रामजस के परिवार की महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर कई बार उसे रोका भी गया था, लेकिन मुत्तीलाल के न मानने पर आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में एसपी विवेक कुमार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर कुछ पुरानी रंजिश होगी, अभी तो हम जानते नहीं उनके जुम्मे कुछ रहा हो। साहब उसे बांका से और कुदार से थाना कैसरगंज के ग्राम गंदू झाला मौजा मंझारा तौकली में मुत्तीलाल पुत्र रामजस, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, कि ही वो गांव के ही रामजस पुत्र बेचई द्वारा कुदाल से गंभीर रूप से घायल किया गया और मारपीट के बाद से घायलावस्था में उसे पीएचसी से जिला अस्पताल रिफर किया गया, जहां देर रात अस्पताल में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक का आरोपी के परिजनों से कुछ अवैध संबंध की बात प्रकाश में आई है, जिससे दोनों के बीच में अनबन रहती थी और वो अपने खेत में जिस समय अकेला काम कर रहा था, आरोपी द्वारा उसके ऊपर फावड़े से प्रहार किया गया और उसे बुरी तरह घायल किया कर दिया गया, जिसमें आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी को मैं अगला कथित गिरफ्तार करके आज भेजा जा रहा है।